मैं प्रियंका हूँ, बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की रहने वाली हूँ और अभी मैं कानपुर के गांव में खुद को भी और गांव के समझने की कोशिश में लगी हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी मुझे लगता है कि एक जरिया है खुद के भीतर के लीडर को उभारने के लिए और अपने जीवन में एक लीडरशिप को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यहाँ आने का मेरा इंटेंशन ये रहा है कि मैं यहाँ खुद के भीतर की जो लीडरशिप है उसको एक कॉन्फिडेंस में ला पाऊँ और एक लीडर के माध्यम से उभर पाऊँ। इस यात्रा में मैं जो सीख रही हूँ वो एक मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात रही है कि मैं मेरे भीतर ऐसे हमेशा लग रहा है कि करेज नहीं मिलता है मुझे हर चीज़ों से, तो उस करेज को हासिल करने आई हूँ और लोगों के बीच में बोलने के लिए हूँ कि मैं भी अपनी आवाज़ रख सकती हूँ, अपनी पर्सपेक्टिव रख सकती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जो भी हम आज़ादी से बात के चीज़ें देख रहे हैं कि व्यक्तिगत लेवल पे मुझे लगता है कि हम ना इतने दिनों में जो मैं अभी आजकल फील कर रही हूँ कि हम गांधी के विचारों को बहुत ही डिमीन कर रहे हैं या उनके विचार जो रहा है हिंद स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट उस पर नहीं है। और आगे मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि आगे जो हो कि हम कैसे उन विचारों से सीखें जो भी गांधी जी का और जो भी हमारे अच्छे अच्छे मतलब नेताओं का जो अनुभव रहा है उनसे सीख के कैसे हम आगे बढ़े और अपने फ्यूचर में उसको लाने की कोशिश करें। और इस यात्रा में मुझे जो तीन चीज़ें सबसे जो मैं सीखी हूँ वो ये रहा है कि एक लीडरशिप होने के नाते मेरे भीतर कितना पेशेंस है मैं उसको देख पाई हूँ और उसको अनुभव कर पाई हूँ कि मुझे मतलब कैसे चीज़ों को सुनना है और उसके भीतर उसको कैसे अपने अंदर लागू करनी है। दूसरी ये रही है कि बहुत सारे लोगों के बीच में आई हूँ तो बहुत सारे इनर्जी क्रिएट हुई है। हम अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग पॉइंट अलग अलग नज़रिए से हैं हर एक मुद्दे पे और उस नज़रियों को सुनना और उस बीच में खुद को रखना ये है। और तीसरी ये चीज़ रही है कि एक मैं हमेशा बात करती हूँ साहस की, तो साहस बहुत मिल गई है कि मैं आगे अपने जीवन को कैसे लीड करूँ। और जो ये यह यात्रा मुझे जीवन में कैसे सपोर्ट करेगी मुझे लगता है कि यह यात्रा एक अपॉर्चुनिटी तो है, इसके माध्यम से मैं वोकल हो पाई हूँ, आई थिंक मैं वो आवाज़ बन पाऊँगी इस यात्रा के माध्यम से जो मैं लोगों को मतलब लोग मुझे सुने और मैं भी उनके बीच में रह पाऊँ, ये रहा है। थैंक यू।